पदयात्रा मेरी लगातार चल रही है जब से मैं जेल से बाहर आया हूं 17 महीने जेल में रहने के बाद, और हर कॉलोनी में, हर विधानसभा में, मोहल्ले में जहां मैं जा रहा हूं, हर जगह लोगों का बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है और लोग बहुत खुश हैं कि मैं आ गया। केजरीवाल जी भी आने वाले हैं और 9 साल जिस तरह से केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत करके दिल्ली के लोगों का एक एक काम कराया, वो चाहे बिजली पानी से संबंधित हो, सीवर से संबंधित हो, वो चाहे स्कूल अस्पतालों से संबंधित हो, जब बीजेपी केजरीवाल जी के कामों को नहीं रोक पाई और केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी को नहीं रोक पाई, जनता में उनके प्रति प्यार को नहीं रोक पाई, तो उसके बाद उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। निश्चित रूप से ये एक साजिश थी कि 9 साल का काम और बीजेपी ने एक तरह से टेक ओवर करने की कोशिश की, और 1 साल का एलजी का काम, आप तुलना कर लीजिए कि 9 साल का अरविंद केजरीवाल जी का काम और 1 साल का एलजी का काम, जब उसने मुझको और अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया, पूरी दिल्ली तबाह करने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं और जो भी काम रुके हुए हैं सारे काम करेंगे केजरीवाल जी। हरियाणा में आज हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चारों तरफ उभरी है और हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, पूरा तैयारी है सब जगह चुनाव लड़ने की, और संगठन हमारा गांव-गांव में पहुंच चुका है। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर कस्बे में हमारे कार्यकर्ता हैं और पूरे तरह से जी जान लगा के चुनाव लड़ेंगे। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे इस बार और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हराएगी। नहीं देखिए, गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी लेकिन अब जब एक बात नहीं बनी है तो उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ में पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं और अब हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। मकसद है बीजेपी को हराना, मकसद है बीजेपी को हराना।